प्रदेश भर में अनाज मंडियों में फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में किसान अपना नंबर आने के बाद मंडियों में अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले से ही किसानों को उसका उचित दाम नहीं मिलता। ऐसे में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फसल में नमी की मात्रा 2% कम कर दी गई है, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा फसल खरीद के कुछ नियमों में बदलाव करने पर हुड्डा ने कहा कि जब सरकार बिना SMS के भी फसल खरीद सकती है तो ऐसी शर्तें लगाकर किसानों को परेशान क्यों किया जा रहा है। पहले ही किसान को अपना उचित दाम नहीं मिल रहा और कहते हैं, दूसरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो है ये इतनी परेशानी इन्होंने हो रही है किसान को, क्योंकि आज मेरी फसल आ जाती है और वो कटाई होके तैयार हो जाती है खेत में, तो किसान क्या करेगा, मंडी में ले जाता पहले सीधा, तो मंडी में भाई आरती के पास रखता, कोई बारिश आ जाती तिरपाल आरती पर आता था, झरना करता था। अब खेत में छोड़ जाए तो बारिश आ गई तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद, खेत में ना छोड़े तो घर लेके जाए, फिर इंतजार करे कब मेरा मैसेज आएगा, वहाँ से वहाँ ढुलाई करे और फिर घर से मंडी तक ढुलाई करे, उस खर्चे कौन वहन करेगा, और उसके ऊपर खर्चा पड़ रहा है। ये जो है इनको पूर्ण विचार करना चाहिए, और अगर पूरे इनकी खरीद की नियत है तो जैसे पहले खरीद होती थी खरीद करें। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन के दौरान रोहतक में हुए किसानों पर लाठी चार्ज करने पर बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। किसानों पर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करने का सबका अधिकार है, गरिमा रखने का, और शांति प्रिय जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी चलाना गलत है, इस बात की जांच होनी चाहिए। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।